जय दोस्तों, मैं बी एम भारद्वाज सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉग से रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे थे एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए। आज के सेशन में भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एयरफोर्स, नेवी और एनडीए के लिए देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पूरे प्रोसेस से भी हम लोग लगाना सीखेंगे और जल्दी कैसे लगा सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इसके पहले का जो लेक्चर आपका फॉर्मूला वाला होगा वो आपने ध्यान से देख लिया होगा, कर लिया होगा। तो चलिए तैयार हो जाइए क्वेश्चंस के लिए, और अगर आपने अभी आपको सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का वीडियो आपको मिल सके, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट का भी वीडियो लेक्चर मिल सके आपको। चलिए क्वेश्चंस के लिए स्टार्ट, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमें करना है log of 128 base 8 is equal to क्या। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 7/8, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 16, थर्ड ऑप्शन है 3/7 और फोर्थ ऑप्शन है 1/16। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है हमारा कि हमें log हटाना है तो नंबर और बेस दोनों को सेम करना, बस यही कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि नंबर और बेस कैसे सेम होगा, तभी log हट करके आंसर आएगा। कहीं भी आपको log हटाना है तो log हटाने का सीधा सा प्रोसेस है, नंबर और बेस इक्वल कीजिए। तो इसको हम log 8 को 2 टू द पावर ये लिख सकते हैं और इसको 2 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। अब फार्मूला हमारा क्या है, जो नंबर का पावर है वो प्रोडक्ट में जाता है और बेस का जो पावर है वो डिविजन में जाता है। तो log 2 बेस 2, अब फार्मूला कौन सा फार्मूला यूज किया, log b पर पावर k बेस a है तो k log b बेस a हो जाता है, और log b बेस a टू द पावर k हो तो 1/k log b बेस a हो जाता है, और log a बेस a हो तो ये 1 हो जाता है। इस तीन फार्मूले का इस्तेमाल किया, वो आपको एग्जाम में तो नहीं लिखना है, एग्जाम तो में से मुश्किल से 2 सेकंड का आंसर है हमारा। ये 7/3 फर्स्ट जो है इसका सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चले हम लोग, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका जो दिया गया है कि इफ log x बेस 3 प्लस log x स्क्वायर बेस 9 प्लस log x क्यूब बेस 27 इज इक्वल टू 9 देन x, then x is first option आपका कह रहा है 3, second option कह रहा 9, third option कह रहा 27, fourth option कह रहा 9। यहां पे देखिए log हटाना है आपका, तो देखिए बड़ा आसान सा हो जाएगा solution कि log x base 3 इसको हम क्या 2/2 log x base 3 लिख सकते हैं, इसको 3/3 log x base 3 लिखा जा सकता है 9। एक्स टू ये गया, ये 3 का स्क्वायर था तो 3 का स्क्वायर तो 2 नीचे आया, यहाँ 2 था 2 ऊपर गया, 27 को 3 टू का पावर 3 लिख सकते हैं, तो बेस पर पावर 3 है तो डिवाइड किया, नंबर पे पावर 3 है ये भी डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, सब कैंसिल, क्या हो गया 3 log x बेस 3 इज इक्वल टू 9, 3 3 इज 9 तो log x बेस 3 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 27 हमारा आंसर हो गया। ये सब ऐसे सवाल हैं कि आप पूरा कैलकुलेट ना करें, ऐसे मुजवानी आप ओरली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, और एयरफोर्स नेवी का यही स्टैंडर्ड होता है, इससे ज्यादा स्टैंडर्ड का आपसे नहीं पूछा जाता है। यहां हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया कि log x बेस a y हो तो x इज इक्वल टू कितना होता है, a टू द पावर y होता है, तो ये log हटाएंगे तो ये वाला 3 जो है वो बेस के पावर में यानी 3 टू द पावर 3 27 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 टू द पावर log 5 बेस 3 माइनस 5 टू द पावर log 2 बेस 3 इज इक्वल टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन से हमारा 2, सेकेंड ऑप्शन -1, थर्ड ऑप्शन 1, फोर्थ ऑप्शन 0। इसकी अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 टू द पावर log 5 बेस 3 है, फिर log हटाना है
तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, a टू द पावर log x बेस a क्या हो जाता है, x हो जाता है, एक्सपोनेंशियल का बेस log का बेस, दोनों सेम हो तो दोनों हट जाता, केवल x हो जाता है। यहाँ 2 पर बेस है, यहाँ 5 बेस है, 5 को नीचे कर दें तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्वेश्चंस को क्या, 5 टू द पावर log 2 बेस 3, 5 log 2 बेस 3, आपका दोनों सेम हो गया, कट करके आंसर कितना 0 आ गया। बहुत ही आसान सवाल है, देखते के साथ आपको लिखना भी नहीं है, बस इस फार्मूले को आपको याद करना। ये हमेशा ध्यान रखिए, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन उसी में छुपा हुआ रहता है, क्वेश्चन ही चीख चीख के बताता है आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर के देखने की जरूरत होती है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए बी टू द पावर लॉग ए बाई बी इंटू बी सी टू द पावर log b by c into ca to the power log c by a का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शंस दिया है हमारा, फर्स्ट 0, सेकेंड -1, थर्ड 1 और फोर्थ नन ऑफ दिस। अगर पहले इसको हम प्रॉपर वे में सॉल्व करने की कोशिश करें, तो प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करें तो ये ए बी टू द पावर log a माइनस log b हो जाएगा, bc टू द पावर log b माइनस log c लिख सकते हैं, और ca टू द पावर log c माइनस log a लिखा जा सकता है। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो a टू यहां भी है, a यहां भी है, तो a टू द पावर log a माइनस, हम लोग जानते हैं बेस अगर इक्वल है तो पावर ऐड हो जाता है, तो log a माइनस log b में log c माइनस log a ऐड करेंगे तो log a कट जाएगा, a टू द पावर हमारा log c माइनस log b बचेगा, b पर पावर उसी तरह से b यहां है और b यहां है, तो log a माइनस log b कैंसिल हो जाएगा log c, और c पर पावर यहां होगा और c पर पावर यहां है, तो log a माइनस log c और log c माइनस log a, तो ये हो जाएगा हमारा log b माइनस log a हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब अगर यही बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर log c अपॉन a टू द पावर log b, b टू द पावर log a अपॉन b टू द पावर log c, और c पर पावर log b माइनस c पर पावर log a, ये चीज मिल गया हमारा। अब हमें log को हटाना है, तो ये हम अगर ध्यान दें तो हमारा क्या था कि एक प्रॉपर्टीज है कि a टू द पावर log c बेस b है, तो c टू द पावर log a बेस b लिखा जा सकता है आपका, ठीक है, मतलब इंटरचेंज करने से इसको और इसको इंटरचेंज करने से वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था। तो इसको हम क्या c की जगह a c log a लिख सकते हैं, और इसको b टू द पावर log a लिख सकते हैं, b टू द पावर log a, b टू द पावर c को c टू द पावर log b लिखा जा सकता है, c टू द पावर log b, c टू द पावर log a, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल कर करके हमारा कितना 1, ये आंसर आ गया, c हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना अगर कर रहे हैं इसी को शॉर्ट ट्रिक से अगर किया जाए, अगर शॉर्ट ट्रिक से किया जाए तो अगर ए बी सी के बारे में कोई कंडीशन नहीं दिया, कहीं कुछ नहीं दिया हुआ, तो अगर बेस में ए बेस में जो नंबर है सिंबल है वो नहीं होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हैं ऐसा कि ए बी सी, ये तो एक तरीका हो गया, प्रॉपर मेथड तो हो ही गया, इसी को आप जल्दी आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर जल्दी आपको सॉल्व करना है तो ऐसा कोई कंडीशन तो दिया नहीं है, ए बराबर भी वन ले लें, बी बराबर भी वन ले लें, सी बराबर भी वन ले लें, ए बी सी दोनों को अगर वन वन ले लें, अगर कोई कंडीशन ना दिया हो तब फिर हमारे तब इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो ए बी सी अगर वन रख दोगे तो ये जीरो नहीं हो जाएगा, लॉग वन बाई वन जीरो, तो क्या आ जाएगा ए बी वन इंटू वन टू द पावर जीरो, वन इंटू वन टू द पावर जीरो, फिर वन इंटू वन टू द पावर जीरो, आंसर कितना वन हमारा आ गया। तो जो काम हम उतने प्रॉपर्टीज लगा के कर रहे थे वो चीज हमारा मुश्किल से 5 सेकंड के
अंदर सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान तरीके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बस इतना ध्यान रखें आप कि जब भी आप इस तरह का नंबर ले रहे हैं तो जो लॉग का कंडीशन है कि नंबर जो होना चाहिए वो हमेशा जीरो से ज्यादा और बेस जीरो से ज्यादा हो लेकिन वन के इक्वल ना हो। यहां किसी भी लॉग का बेस एबीसी नहीं था, लॉग का बेस एबीसी नहीं था, तो अगर लॉग के बेस में एबीसी रहता तब हम उसका वैल्यू वन नहीं ले सकते थे क्योंकि लॉग का बेस वन नहीं होता है। ये हम लोग बेसिक लॉग के इंफॉर्मेशन में जानते हैं। नहीं था तो यहां वन वन रख करके बहुत आसानी से हम सॉल्व किए, आंसर भी हमारा मैच कर गया। तो यही समय आपको बचाना होता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, कह रहा है x इज इक्वल टू log a बेस 2a, y इज इक्वल टू log 2a बेस 3a और z इज इक्वल टू log 3a बेस 4। तो पूछ रहा है then x इंटू वाई इंटू जेड इज प्लस वन इज इक्वल टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 2yz, सेकेंड ऑप्शन है 2xy, थर्ड ऑप्शन है 2zx और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये अगर हमें देखना है, तो इसको अगर देखें तो x इंटू वाई इंटू जेड की बात करें, तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इंटू वाई इंटू जेड आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, x को हम log a by log 2a लिख सकते हैं, log 2a by log 3a लिखा जा सकता है और इसको log 3a by log 4a लिखा जा सकता है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हमारा, तो x into y into z क्या मिल गया, log a by log 4a मिल गया हमारा। ठीक, अब इसको अगर आप चाहें इसको आप log a अपॉन log बेस 4a लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4a लिख सकते हैं। अब x इंटू वाई इंटू जेड प्लस वन कर दें, प्लस वन कर दिया जाए ये वन प्लस log a प्लस log 4a आ जाएगा हमारा, ये वन प्लस log ऑफ 4a प्लस log a अपॉन log 4a आ गया, क्या आ गया log 4a आ गया। तो ये क्या हो जाएगा log 4a स्क्वायर, क्या आ जाएगा log 4a स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम log 4a किस में है, y और z में ही तो है, ये किस में है y और z में है हमारा, तो y into z अगर आप करोगे तो y into z कितना log a log 3a, log 3a बेस 4a, ये क्या आ जाएगा log of 2a बेस 4a आ जाएगा हमारा। तो इसी को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, log 4a का स्क्वायर अपॉन log 4a, ये लिखा जा सकता है। तो ये आ गया हमारा 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, 2 log 2a अपॉन log 4a, ये हो गया हमारा। इसका मतलब 2y into z जो होगा ये फर्स्ट जो होगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका। ये आपको देखना है क्वेश्चंस किस तरह से और ऑप्शंस किस तरह से, दोनों आपको ध्यान में रखना है। खाली क्वेश्चन से ही काम नहीं चलेगा, खाली ऑप्शन से भी काम नहीं चलेगा, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया। और आसानी से इसको सॉल्व करना चाहें, अगर आप और इसको आसानी सॉल्व करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, अब इजी मेथड से कैसे कर सकते हैं इसी क्वेश्चंस को, ये तो पूरा प्रोसेस हो ही गया हमारा। अब अगर यहां हम a की जगह 1 रख दें, a की जगह क्या रख दिया जाए 1 रख दिया जाए, x क्या हो जाएगा 0 क्योंकि log 1 0, y क्या हो जाएगा log 2 बेस 3 और z क्या हो जाएगा log 3 बेस 4 हो जाएगा। तो अब अगर x into y into z plus 1 की बात करें तो 1 ही तो आएगा हमारा, ठीक। अब क्योंकि x तो 0 ले लिया था, x 0 आ गया था, ये 1 आ गया। अब देखें ऑप्शन में किस में 1 आता है, तो 2yz हम करेंगे तो 2 log 2y log 3 और ये log 3y log
फोर हो जाएगा, log थ्री कैंसिल हो गया हमारा, ये क्या आ जाएगा टू log टू, और log फोर को भी टू log टू लिख सकते हैं, कैंसिल कितना वन, इसका मतलब टू आई जेड में वन आया है, तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो उतना ढेर सारा हमें फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस थोड़ा सा हमने सोचा है और वही क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से जल्दी हमारा सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स की अगर बात की जाए तो अब पूछ रहा है कि वन अपॉन log bc बेस a प्लस वन अपॉन log ca बेस b वन अपॉन log ab बेस c इज इक्वल टू क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है जीरो, सेकेंड ऑप्शन है वन, थर्ड ऑप्शन है टू, फोर्थ ऑप्शन है माइनस वन हमारा। तो अब अगर यहां बात की जाए सॉल्यूशन, तो ध्यान से देखें अगर हम लोग, तो BC है और बेस A है हमारा, ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो 1 बाई log B प्लस log C अपॉन log A, ये लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी हमारा क्या है कि log A बेस B है, तो इसको log A बाई log B लिखा जा सकता है, और log MN है इसको हम क्या लिखते हैं log M प्लस log N लिखते हैं। इन दोनों प्रॉपर्टीज को हमने एक साथ लिखा, log BC अपॉन log A कर लिया, log BC को log B प्लस log C लिख सकते हैं, यही क्या हो जाएगा log C प्लस log A अपॉन log B, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई log A प्लस log B अपॉन log C हो जाएगा। तो अगर गौर से देखें ये क्या आ जाएगा हमारा, सॉरी प्लस 1 भी सब में उल्टा, ये प्लस 1 ये प्लस 1 भी। अब इसका हल, तो सब में आपका क्या है प्लस वन है, प्लस वन ही है हमारा प्लस वन, तो ऐड करेंगे तो लॉग ए यहां ऐड होगा ना, ये लॉग ए ऊपर चला जाएगा, मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, और नीचे भी अगर करेंगे तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी हमारा कट करके कितना वन आंसर हमारा आ गया। तो थोड़ा सा अगर गौर से देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत महसूस नहीं होगी, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगर अगले क्वेश्चन सेवन नंबर की बात करें, ये कह रहा है इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो पूछ रहा है देन वन अपॉन लॉग बी बेस सी प्लस ए, वन अपॉन लॉग बी बेस सी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी। फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया वन, सेकेंड ऑप्शन टू, थर्ड ऑप्शन माइनस वन, फोर्थ ऑप्शन माइनस टू। यहां अगर करें तो उल्टा अगर रेसिप्रोकल ले लें तो रेसिप्रोकल लेने पे क्या होता है नंबर बेस में चेंज हो जाता है, बेस नंबर में चेंज हो जाता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो क्वेश्चंस को log c plus a बेस b और प्लस log c minus a बेस b, ये लिखा जा सकता है। अब log m plus log n क्या हो जाएगा, log m n log of c square minus a square बेस b, और log बेस b सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा वो बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि बी स्क्वायर बराबर ए इधर गया तो प्लस सी स्क्वायर इधर ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह हमने बी स्क्वायर रख दिया, तो नीचे चला जाएगा लॉग बी बेस बी, इसका वैल्यू वन हो जाएगा, नंबर बेस सेम है, तो फाइनल आंसर कितना टू। तो दिखने भरे लगे कि अजीब अजीब है हमारा, लेकिन है बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सवाल है सर। क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो पूछ रहा है फोर टू द पावर एक्स प्लस टू टू द पावर टू एक्स माइनस वन, थ्री टू द पावर एक्स प्लस हाफ और थ्री टू द पावर एक्स माइनस हाफ, देन एक्स क्या होगा। फोर
फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1/2, सेकेंड ऑप्शन दिया है 3/2, थर्ड ऑप्शन है 5/2 और फोर्थ ऑप्शन है। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 to the power x, इसको 2 to the power x/2, 3 to the power x into 3 to the power half, 3 to the power x upon, ठीक। डिवीजन में रहे तो पावर नीचे हो जाता है, माइनस में रहे तो प्लस, रहे तो ऊपर रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 2x को भी 4 to the power x लिख सकते हैं, 4 to the power x 1 plus 1/2, यहाँ 3 to the power x कॉमन, √3 plus 1/√3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 4 to the power x upon 3 to the power x, 3/2 4/√3, ये आपका क्या हो गया 4/3 to the power x, और इधर करेंगे तो 8 8/3√3, यानी कि 8 को हम 4 पर पावर 3/2, और इसको 3 to the power 3/2 लिख सकते हैं। बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x इक्वल टू इतना 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये तो प्रॉपर वे हुआ सॉल्व करने का हमारा, लेकिन इक्वेशन ही सॉल्व करना है, x का वैल्यू ही निकालना है अगर आपको, तो अगर x का वैल्यू निकालना है इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सॉल्यूशन चाहिए तो x का वैल्यू सीधा सीधे रख दीजिए आप, कैसे, तो x का वैल्यू अगर आप हाफ रखते हो तो ये 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू, जब हाफ रखेंगे तो 2 1 - 1 0 1 आ जाएगा, ये 3 पर पावर 1 हो जाएगा +3 पर पावर 0, ये इधर 3 आएगा इधर 4 आएगा, मतलब ये गलत है हमारा। 3/2 रखेंगे तो 4 पर पावर 3/2 +2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 और 3 पर पावर 3/2 - 1 हमारा, तो 4 पर पावर 3/2 कितना आ जाएगा, 4 2 8 और 4 इधर भी 9 +3 12 आ रहा है, इसका मतलब बी जो है इसका सही आंसर हो गया। हमें सॉल्व करने की कुछ और करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें आसानी से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। फिर अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है आपसे, ध्यान समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह का एनडीए में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि log x by 2a plus 3b minus 5c is equal to log y upon 2b plus 3c minus 5a है, और is equal to log z upon 2c plus 3a minus 5b है। तो x y z पूछ रहा है, वो x y z का वैल्यू क्या है ये आपसे पूछ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है -1, इसको कैसे करना है। तो अगर गौर से देखें, अगर हम रेशियो करने का प्रॉपर वे तो जाने दीजिए आप, ऐसा रेशियो में कहीं भी सवाल मिल गया तो रेशियो को क्या कर लो, 1 के बराबर या k के बराबर ले सकते हो, मान लिया ये रेशियो k के बराबर। तो अब यहां अगर देखोगे तो क्या है, 2a अगर सबको ऐड करेंगे 2a plus 3a 5a, 5a minus 5a 0, 3b और 2b 5b, यहां 5b माइनस में है 0, यहां माइनस 5c है, यहां 3c है, यहां प्लस 2c है, तो वो भी 0 हमारा। तो इसका मतलब कि log x प्लस log y प्लस log z करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0, क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि log x y z इज इक्वल टू 0, तो x y z इज इक्वल टू कितना 1। तो देखने में जितना ही लंबा सवाल लग रहा था, लंबी सवाल लग रहा था, सॉल्यूशन इसका उतना ही आसान है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सवाल को गौर से देखना बस है कि क्या है हमारा, ठीक। तो अगर गौर से देखते हैं तो सारा हिंट तो हमें क्वेश्चंस में मिल रहा है, हमें क्या करना है, क्या करने से काम चल जाएगा। तो ऐसे रेशियो वाला कोई भी सवाल है तो के इसको और आसानी से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट हम के बराबर 1 मान सकते हैं, क्योंकि एबीसी का कोई इवन वैल्यू तो है नहीं, कोई कंडीशन तो है नहीं, कुछ भी रेशियो हो सकता है तो 1 भी रेशियो हो सकता है, तो सीधे सीधे अगर 1 लेके करें तो बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा।
अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ देखिए, वन के इक्वल करेंगे तो log x क्या आ जाएगा, 2a plus 3b minus 5c, log y क्या हो जाएगा, 2b plus 3c minus 5a, और log z is equal to कितना, 2c plus 3a minus 5d, इन्हीं तीनों को ऐड करेंगे नो डाउट जीरो ही तो होगा हमारा। तो ये सब ऐसे सवाल हैं कि बिना आप पेन के भी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, सवाल बस देख के घबराना आपको नहीं है, पैनिक में नहीं आना है। फिर अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, इसी तरह का सवाल है हमारा, ये कह रहा है log x इज इक्वल टू log y बाई टू log z बाई थ्री, तो पूछ रहा है then x to the power 4, y to the power 3, z to the power minus 2 की वैल्यू क्या होगी, 2, 10, 1, 4, 0, ये आंसर। फिर वही कॉन्सेप्ट लगाइए, देखिए बड़ा आसानी सॉल्व हो जाएगा, इतना बराबर अगर 1 लिया हमने, इतना बराबर अगर 1 लिया, तो log x बराबर 1 है, तो log बेस कुछ नहीं है, तो बेस अगर 10 मान के चले, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10, log y बेस 10 बराबर 2 है, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, और log z बराबर 10 बराबर 3, तो z बराबर कितना, 10 टू द पावर 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 10 पर पावर 4, 10 पर पावर 6 और 10 पर पावर माइनस 10, पावर अगर सेम हो तो मतलब क्या हो गया, 10 पर पावर 4 प्लस 6 माइनस 10, यानी 10 पर पावर 0 कितना, 1 हमारा आंसर। ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, इस तरह से रेशियो का सवाल है, तो सारे रेशियो को 1 के इक्वल लेकर के आप आसानी से क्वेश्चंस को तुरंत और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। चल क्वेश्चन नंबर फिर, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, तो इफ कारा ए बी सी आर थ्री कॉन्सिक्वेटिव नंबर्स, थ्री कॉन्सिक्वेटिव पॉजिटिव नंबर दिया है, पॉजिटिव नंबर, तो पूछ रहा है log 1 प्लस सी ए, 1 प्लस सी ए बराबर क्या हो, फर्स्ट ऑप्शन है log b, सेकेंड ऑप्शन है log b बाई बेस 2 या log b बाई 2 है, थर्ड ऑप्शन है log 2b और फोर्थ ऑप्शन है 2 log b। तो बस ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं करना, ऑब्जेक्टिव करना है। तो ए बी सी तीन लगातार नंबर दिया है, तो सबसे आसान है, मान लिया a का मान 1, b का मान 2 और c का मान 3, तो log of 1 plus c a मतलब क्या हो गया, log of 1 plus 3 मतलब log 4, log 4 को log 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 log 2 और 2 हमने किसको माना है, b को, तो 2 log b हमारा फोर्थ क्या हो गया, यही आंसर हो गया। तो अगर थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में गौर करें आप, तो हर क्वेश्चन में आपको हिंट दिया रहता है किस तरह से करना है, और ये चीज आपका प्रैक्टिस के से आती है। प्रैक्टिस के लिए आप टेलीग्राम पे सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पे आप चले जाएंगे, इसका पीडीएफ फाइल आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, उससे बेस्ट प्रैक्टिस आप कीजिए, इस तरह के ढेर सारे सवाल आपको वहां पे मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर 10 इस तरह के आपके लॉग से रिलेटेड और सवाल लाएंगे, जिसमें इनइक्वालिटी, एनडीए में आजकल इनइक्वालिटी असमिका से संबंधित लॉग के सवाल अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं, तो उन सवालों को हम कैसे डिस्कस करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम लोग 10 लॉग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे, जो एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। और तब तक के लिए आप घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कभी भी एग्जाम का डेट आ सकता है, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, धैर्य रख करके, पेशेंस रख करके हम हैंडल कर सकते हैं, और जहां तक संभव हो सकता है सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी की टीम आपकी मदद के लिए लगी हुई है। जय हिंद, जय भारत।